क्या आपको भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से डर लगता है? सही बता रहा हूं, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को किसी पिक्चर में कन्वर्ट करना आ गया ना, तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत इजी होता है, वैल्यूज गिवन होते हैं, फॉर्मूला में पुट करना होता है और आंसर आ जाता है बस। आज के लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट में ही मैं बताया था कि क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को अगर पिक्चर में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। वहीं किया हूँ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मैं कुछ पिक्चर बनाया हूँ। इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिचुएशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हैं, और ये पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन एपी बना रहा है, और अगर एपी बना रहा है तो रीज़न भी बताना है क्यों। राइट, फर्स्ट पार्ट में एक टैक्सी है जो मैं बना रखा हूँ यहाँ पे। टैक्सी में कह रहा है कि टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जो है आपका 15, तो ये पहला किलोमीटर है स्टार्ट से, यहाँ से एक किलोमीटर चला यहाँ से, ये है वन किलोमीटर, ये किलोमीटर में पूरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर, यहाँ तक 1 किलोमीटर, इसका चार्ज लगा 15 रुपये, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, इसके आफ्टर दिस 8 रुपये चार्ज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो ईच एडिशनल किलोमीटर 8 रुपये चार्ज होगा, इसमें भी 8 रुपये, तो बस पिक्चर बन गया, तो क्वेश्चन भी सॉल्व। अब बता सकते हैं कि ये एपी होगा। वैसे देखिए किस तरीके से मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जो है आपका 15 रुपये गिवन है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15, और ये कह रहा है कि 8 रुपये ऐड हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट टू किलोमीटर का मतलब हुआ कि ये स्टार्ट से फर्स्ट 2 किलोमीटर, तो 15 रुपये पहले के और 8 रुपये बाद के 1 किलोमीटर के, तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर जो होगा 15 + 8 क्या हो जाएगा, 24, नहीं कितना होगा, 15 + 5 = 20 + 3 = 23 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 15, 23 ये टर्म ही है, फर्स्ट टर्म आपका 15 हो गया, ये फर्स्ट टर्म A1 15, ये A2 आपका 23, ठीक है। उसी तरीके से टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर मतलब फिर स्टार्ट से 3 किलोमीटर तक कितना होगा, तो पहले का 15 फिर 8 और 8 कितना हो जाएगा, 23 में ही ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 23 + 8 और क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 11, 1 + 2 = 3, 31 रुपया आपका लग रहा है, ये आपका तीसरा टर्म होगा A3। तो बहुत सिंपल है, हम कह सकते हैं कि यस दिस विल फॉर्म एन एपी, और जो ये एपी होगा वो क्या होगा, एपी जो आपका होगा वो होगा 15, 23, 31 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और कारण भी बताने हैं क्यों, तो बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द देयर प्रिसीडिंग टर्म, लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यस इट विल फॉर्म एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन इट्स प्रिसीडिंग टर्म, क्या है, प्रिसीडिंग टर्म का मतलब कि अपने से पहले वाला जो टर्म है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैं फिगर बनाया हूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पूरा एयर भरा हुआ है। कितना? पूरा। तो पहले में पूरा भरा हुआ है एयर, ये जो है पूरा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि V है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि वैक्यूम पंप से इसको हम निकाल रहे हैं, इसका अंदर का एयर जो वैक्यूम पंप से निकाल रहे हैं वो भी फर्स्ट स्ट्रोक में निकाल रहे हैं 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्ट्रोक में 1/4 निकालेंगे तो बचेगा क्या, 1/4 अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से 1/4 निकल गया तो आपके पास इतना बचा। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक में भी 1/4 निकाल देंगे इस रिमेनिंग का, ये भी कह रहा है कि रिमेनिंग का 1/4, तो जो बचा है 1/4 तो ये कुछ मिलेगा। फिर नेक्स्ट में आपका कुछ इस तरीके से इतना वॉल्यूम मिलेगा, इतना वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर उस तरीके से आपका ऐसे मिलेगा एंड सो ऑन। तो चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहा है कि नहीं सिचुएशन, और एपी बना रहा है या नहीं। तो इसके लिए तो बस सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी, तो इसमें से रिमूव करना है कितना हमें, 1/4 ऑफ वी, ठीक है। तो हमारे पास रिमूव कर देते हैं वॉल्यूम, हमारे पास सिलेंडर में वी है, इसमें से माइनस करते हैं 1/4 ऑफ वी, ठीक है ना। तो 1/4 ऑफ वी, वी का मल्टीप्लाई यहाँ पे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 तो 3V/4 आपका मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 3V/4 मिला यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसका 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका 1/4 मतलब 3V/4 माइनस क्या करेंगे, इसका 1/4, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, ये रिमेनिंग बचा हुआ 3V/4। तो आपको यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 LCM, 4 × 16 = 12 माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट में V दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस कर लीजिए तो 9V/16। इसको ये भी लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो पहले मुझे मिला ये, अब हमें मिल रहा है ये, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में अब 3, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला टर्म से लिखता हूँ, ये मिला ना, तो 9V/16 में से माइनस करना है 1/4 ऑफ दिस, इसी का, तो 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 9V/16, तो ये क्या हो जाएगा, 16 × 64 LCM, 9 × 36 माइनस 9V मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 27/64 भी मिल रहा है। इसको शॉर्ट में देखें तो 3 का ये क्यूब है 3 और ये 4 का 0.4 क्यूब, बस मिल गया सिचुएशन हमें। ये देखिए यहाँ पे पहले ये 3V/4 है, 3/4 का स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वी के साथ, 3/4 का क्यूब हो रहा है, तो ये आपका लीनियर नहीं बन रहा है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं दिस सिचुएशन विल नॉट फॉर्म एन एपी, क्लियरली फ्रॉम अबव वेशन दिस सिचुएशन विल नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है कुआं खोदने का पैसा कुछ लेता है, कुछ किस तरीके से कि 1 मीटर ये आपका डेप्थ है, 1 मीटर खोदने के लिए ये पैसा कितना ले रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 150 रुपया ले रहा है, 150 रुपया ले रहा है 1 मीटर के लिए, पहला 1 मीटर के लिए, और उसके बाद जो है बाकी के 1 मीटर, जैसे कि ये तो 150 रुपया इतना खोदा नेक्स्ट में पहला, और दूसरा ये 1 मीटर के लिए क्या करेगा, 50 रुपया 1 मीटर के लिए, ये 50 रुपया लेगा, 50 रुपया, ये 1 मीटर है 50 रुपया, फिर उसके नेक्स्ट भी 1 मीटर के लिए 50 रुपया लेगा, ठीक है ना।
ये आपका कुआं है, वेल है, ठीक है ना, ऑयल खोदना है। तो ये सिचुएशन से आपको लग रहा है कि ये एपी है ऑब्वियसली, क्योंकि 50-50 रुपये ही तो बढ़ रहा है। तो हम मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लैंग्वेज में इसको लिख देता हूँ। लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 रुपये लग रहा है, एंड सेकेंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है ना, फर्स्ट 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, फर्स्ट 2 किलोमीटर मतलब 1 किलो स्टार्ट से देखेंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर अगर वो बंदा वेल को होता है तो कितना पैसा लेगा, 150 पहले मीटर का और 50 रुपया फिर 1 मीटर का, तो ये 200 हो जाएगा ना, तो 150 प्लस बाद के 50, ये 200। फिर उसी तरीके से सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 किलोमीटर जो हो जाएगा, 200 में और 50 जोड़िए तो आपका 250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन दिस सिचुएशन विल फॉर्म एन एपी, दिस सिचुएशन विल फॉर्म एन एपी, और एपी क्या होगा, 50, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। और कंडीशन ये पूछ रहा है क्यों, यस इट विल फॉर्म एन एपी बिकॉज एवरी टर्म विल 50 मोर देन देयर प्रिसीडिंग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, इसका भी मैं सिचुएशन का मैं पिक्चर बना दिया हूँ। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि अकाउंट है, जो कि अकाउंट मैं बना दिया हूँ, ये आपका अकाउंट है सिलेंडर के तौर पे मैं अकाउंट, और अकाउंट में आप पैसा 1000 रुपया जमा कर, 10000 रुपया, सॉरी 10000 रुपया जमा करते हैं, 8% पर एनम के रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लग रहा है। तो ये आपका अकाउंट है, इसमें मान लीजिए कि पहले मैं 10000 रुपया डाल दिया, ठीक है ना, 10000 रुपया। तो कह रहा है कि 1 साल के बाद इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% का, तो 1 साल के बाद क्या होगा, तो 1 साल के बाद इसका 8% बढ़ जाएगा, तो 8% बढ़ जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर अगले साल जो है इसके लिए अमाउंट ये हो जाएगा और इस पे 8% लगेगा तो बढ़ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अच्छा होता है, अगर आपको पैसे लेने हैं तो, देने के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर उसी तरीके से 8% इस पे लगेगा तो बढ़ेगा आपका पैसा। तो कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन एपी बना रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कीजिए, वैसे पता चल जाएगा। अमाउंट का फार्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r/100n। n जो है नंबर ऑफ ईयर है, r रेट है, और p जो है आपका अमाउंट है प्रिंसिपल, जो यहाँ पे 10000 रुपये पहले दिए हैं, सिंपल था। उसके अकॉर्डिंग अमाउंट अगर देखें नेक्स्ट, तो पहला अमाउंट आपका तो 1000 है, 10000 अमाउंट है। दूसरा जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट कीजिए, 10000
इंटू 1 + 8/100। तीसरा में क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100 power 2, एंड बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर 3 होगा, फिर सो ऑन, power 3 होगा, ऐसे ही बढ़ रहा है। तो देखिए पावर बढ़ रहा है, ये देखने में ही लग रहा है कि लीनियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सीरीज जो बनाता है इस तरीके से नहीं बढ़ता है पावर, ये लीनियर नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल कर हम चेक कर सकते हैं, ये दूसरा टर्म हुआ, ये पहला टर्म माइनस करेंगे तो अगर देखें 10,000 इसका आया, 10,000 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, यहाँ पे क्या मिला आपको, प्लस 1 + 8/100 का स्क्वायर कॉमन डिफरेंस डी मिला, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें से ये थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस भी करेंगे, d1 d2 देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10,000 कॉमन आएगा, ये 10, ये वाला टोटल टर्म कॉमन आ जाएगा, 10,000 इंटू 1 + 8/100 कॉमन आ गया यहाँ, 1 प्लस, क्योंकि ये 2 है, ये 3 होगा यहाँ पे पावर, सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 + 8/100 पावर, ठीक है ना, power 2 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, d1 इज नॉट इक्वल टू d2 बस। तो इस सिचुएशन से हम कहेंगे कि ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और ये लीनियर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि आपका ये सीरीज नहीं बनाएगा। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बताया था कि फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इजी होते हैं, वैल्यूज गिवन होते हैं और आंसर मिलता है। तो वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपको एपी बनाने हैं इससे, ठीक है ना, क्या बनाने हैं, एपी बनाने हैं, और वो भी फर्स्ट टर्म फर्स्ट चार ही टर्म लिखने हैं, मतलब चार ही टर्म लिखने हैं एपी के। तो वो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, ये फॉर्मूला है टर्म निकालने का, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म का जो a1 जो होगा वो ये a है जो कि आपका 10 हो जाएगा, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, ये 10 हो जाएगा सिंपल सा। दूसरा टर्म क्या होता है, a + d, ठीक है ना, तो a आपका 10 है और d भी 10 है, तो आपका 10 + 10 20 हो जाएगा दूसरा टर्म। उसी तरीके से तीसरा 10 × 2d, या इसी में ऐड कर देते हैं आप 10 और तो 30 हो जाता है, तो ये आपका उसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपका 40 मिलेगा, ठीक है ना। तो ए पी जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये 40 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, ए आपका a4 भी आपका 40 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपका ये ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूड करेंगे कि ये आपका जो ए पी होगा वो 10, 20, 30, 40 पहला चार टर्म यही होगा, ठीक है ना। बहुत सारा बहुत ही इजी है, तो इसलिए मैं सिर्फ इससे इसका दो ही क्वेश्चन करूंगा। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, वो ये है कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -0.25 एंड आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25। तो फर्स्ट टर्म आपका मिल गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म यही है गिवन -1.25, सेकेंड टर्म में 0.25 ऐड करेंगे वो भी माइनस के साथ, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, -1.25, और ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 0.025, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि प्लस माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस है डी, तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.50 माइनस के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस दोनों का है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस, जैसे आगे करूँगा -0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। नेक्स्ट a4 अगर देखें, चार टर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसी में अगर 0.25 और ऐड कर देंगे तो आपको माइनस मिलेगा 2, ठीक है।
तो यही आपका एपी जो बनाएगा माइनस 1.25, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड आया 1 माइनस 1.50, फिर थर्ड आपका आया माइनस 1.75, फोर्थ 2, यही है आपका एपी। ये तो बहुत ही इजी है। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत इजी, सीरीज दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए, इससे इजी क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में ही। फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 मैं लिख दिया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, वो सारा जो डिफरेंस होगा इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए ये आपका, या थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, तो ये सब सेम अगर है तो वो एपी। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, सिंपल सा माइनस माइनस फर्स्ट टर्म आपका कुछ, फर्स्ट टर्म तो आपका 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 करेंगे तो आपका माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ भी देखेंगे दूसरा भी तो माइनस ऑफ 2 आएगा, इसको भी देखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 ये भी माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस 2, सिंपल सा कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है आपका, पूछ रहा है यही क्या होगा 1/3, कॉमन डिफरेंस उसी तरीके से निकालेंगे, 5/3 में से 1/3 को माइनस कर लेते हैं, तो 5/3 माइनस ऑफ 1/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 5 नीचे दोनों सेम है तो बस ऊपर वाले माइनस हो जाते हैं, 5 माइनस 1, तो 4/3 आपके कॉमन डिफरेंस आ गए, कॉमन डिफरेंस 4/3। और एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म आपके गिवन, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करेंगे, 1.7 माइनस 6.6, तो 1.1 आएगा। एक और चेक कर लेते हैं जो कि मैं यहाँ पे चेक किया हूँ, वो भी 1.1 ही आएगा, तो ये आपका यही कॉमन डिफरेंस d 1.1 आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सीरीज गिवन है और पूछ रहा है कि क्या ये सीरीज एपी बना रहा है, तो बहुत सिंपल होता है किसी सीरीज को चेक करने के लिए ये एपी बना रहा है या नहीं, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं, ठीक है, वही किया हूँ मैं यहाँ पे। पहला कॉमन डिफरेंस इसके बीच में जो बनेगा d1, वो मैं d1 निकाल दिया, a2 माइनस a1 इक्वल टू 4 माइनस 2, जो आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ d2 निकालूंगा मैं, a3 माइनस a2, a3 क्या है आपका 8 है, a2 आपका 4, तो 8 माइनस 4 आपका 4, यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 4, तो सिंपल सा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आपका सीरीज नहीं है। जब आपका सीरीज नहीं है तो बस उसमें आगे कुछ फर्दर नहीं निकला, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में वही तरीका, आपका कॉमन डिफरेंस चेक करना है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो सीरीज होगा, उसके आगे फिर हम देखेंगे। 3 टर्म और भी आगे नेक्स्ट, अगर एपी है तो 3 टर्म और इसको लिखना है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे चेक करने के लिए a2 माइनस a1 करूँगा, a2 5/2 माइनस 1 या माइनस 2 को अगर 1 करें तो एलसीएम ले 2, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है। उसी तरीके से a2 अगर निकाले कैसे, a2 निकालने के लिए a3 माइनस a2, तो a3 3 है और आपका a2 5/2, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 एलसीएम, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 माइनस ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, ये 2 सफिशियंट होता है आपको वेरीफाई करने के लिए ये सीरीज एपी बना रहा है या नहीं। यहाँ पे एक और मैं ले लिया, तो a4 माइनस a3, a4 आपका 7/2 है और ये आपका 3 है, तो 7/2 माइनस 3 इसको 1 यहाँ पे नीचे लिखें, और फिर एलसीएम 2 7 − 3 × 6 इसको 2/2, तो d1 = d2 = d3 है, हम कहेंगे कि हाँ भाई ये एपी है। और अगर ये एपी है तो 3 टर्म और लिखने हैं, सो दिस इज दिस सीरीज विल फॉर्म एन एपी, तो 3 टर्म और लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे उसे, सिंपल सा वही तरीका है, 1 2 3 4
फाइव, पांचवा टर्म लिखना है, मतलब ए फाइव। ए फाइव क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 40। फर्स्ट टर्म गिवन है टू, फोर इंटू कॉमन डिफरेंस आपका तो मिल गया 1/2, कटा यहां से आपको क्या मिल गया, यहां दो, दो दोना चार, तो एक नेक्स्ट टर्म जो मिला चार मिला। वैसे ही ए सिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 5t क्या मिलेगा, टू यहां पे प्लस होगा, प्लस 5 × 1/2, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दो दो में चार, पाँच, नौ, तो ये 9/2 मिलेगा। उसी तरीके से तीसरा ए 7, ये यहाँ 9 और ए 7, ए प्लस 6d, मतलब ए 2 दिया हुआ है प्लस 6 × 1/2, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 5 आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सीरीज आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करूंगा और बाकी के क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, जो कन्फ्यूजन होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका। पांचवा क्वेश्चन है कि सीरीज है 3, 3+√2, 3+2√2, 3+3√2, वही तरीका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी वन मिलेगा, जो आपका सेकेंड टर्म है 3+√2 − फर्स्ट टर्म 3 = −3 से 3 खत्म। क्या बचा यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, d2 चेक कर लेते हैं उसी तरीके से। d2 के लिए a3 − a1, a3 है आपका 3+√2, इसमें माइनस करेंगे, माइनस करेंगे सेकेंड टर्म 3+√2, ठीक है ना। तो माइनस का मल्टीप्लाई, अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो माइनस ही होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, 3+√2 एज इट इज, उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में तो −3, फिर −√2, यहाँ पे क्या हो रहा है −3 से −3 खत्म। उसके बाद आपको 2√2 में से माइनस करना है √2, तो दो में से, दो आम में से एक आम को माइनस कर देंगे तो एक ही आम मिलेगा ना, तो 2√2 और 1√2, तो यहाँ √2 मिला। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस है, वो आप सेम मिल गए। तो तीसरा भी निकाल सकते हैं, वही आएगा सेम। तो कॉमन डिफरेंस आपका d1 d2 d3 बराबर आ गया, तो ये सीरीज बना रहा है। और अगर सीरीज बना रहा है तो क्या करेंगे, सीरीज बना रहा है तो वही तरीका फिर नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, फिर भी मैं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ए फाइव जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ए फाइव क्या होगा, ए फाइव आपको मिलेगा ए प्लस 4d, ए 3 दिया हुआ है प्लस 4 × √2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो आपका क्या मिला, ए प्लस 4d आपको मिल जाएगा नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये पांचवा टर्म हो जाएगा ए प्लस 4 × √2। उसी तरीके छठा टर्म ए सिक्स जो हो जाएगा 3+5 × √2। उसी तरीके ए सेवन भी लिख सकते हैं 3+6√2, ये आपका नेक्स्ट के आपके सीरीज तीन और हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में सीरीज गिवन है, ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि ये सीरीज नहीं बना रहा है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में आपका आ रहा है, लीनियर होता है आपका एपी जो होता है लीनियर ही होता है, ये स्क्वायर में बढ़ रहा है तो एपी नहीं बनाएगा। वैसे चेक भी किया हूँ यहाँ पे, डी वन निकाला, ए स्क्वायर माइनस ए, ए कॉमन लेंगे ए माइनस वन, ठीक है, पहला कॉमन डिफरेंस ए ए इंटू ए माइनस वन, दूसरा डी टू निकाला यहाँ पे ए थ्री माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, ये कॉमन डिफरेंस, डिफरेंट
सेम नहीं है, इज डी टू इज नॉट इक्वल टू डी वन, सो इट इज नॉट एन एपी एंड एपी बस। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में वही सीरीज दिया हुआ है, टू अंडर रूट टू अंडर रूट एट 18 32, कॉमन डिफरेंस देखेंगे डी वन माइनस डी वन देखेंगे, फिर डी टू, बस दो ही सफिशियंट होता है, मैं बताया हूँ पहले भी। तो डी वन निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट टू। अंडर रूट एट को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट टू इंटू टू इंटू टू, तो पेयर में जो होता है आप बाहर निकल जाता है, तो वहीं पेयर वाले के जगह के बदले मैं यहाँ पे टू लिखा हूँ, टू अंडर रूट टू हो गया, माइनस किया अंडर रूट टू, तो दो आम में से एक आम माइनस किए तो एक आम मिलेगा, वैसे ही दो अंडर रूट टू में से दो एक अंडर रूट टू माइनस करेंगे तो ये अंडर रूट टू आपका डी वन मिला। सेम उसी तरीके से 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, तो ये पेयर बना, तीन बाहर निकलेगा यहाँ पे अंडर रूट, तो तीन आम में से दो आम को क्या करना है, माइनस करना है, फिर आपका मिलेगा एक ही आम, वो आम क्या है अंडर रूट टू। तो ये कॉमन डिफरेंस डी वन इक्वल टू डी टू है, तो एपी बनाएगा, और अगर एपी बनाएगा तो फिर आपका 1 2 3 4 और पांचवा टर्म क्या होगा यहाँ पे ए फाइव, मैं दूसरा टर्म से लिख रहा हूँ, ए फाइव क्या होगा, ए फाइव जो होगा ए प्लस 4d, तो ये आपका अंडर रूट टू है और प्लस 4 ये अंडर रूट टू डी है, ठीक है ना। जो है यहाँ पे ये सही है, 5 अंडर रूट टू सही है, तो 5 अंडर रूट टू को मैं अंडर रूट 25 लिखूंगा ना, इंटू अंडर रूट टू, तो अंडर रूट 25 अंडर रूट टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 50, तो ये आपका अंडर रूट 50 मिलेगा। नेक्स्ट उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे ए प्लस 5d 6 टर्म के लिए, 6 टर्म आपका क्या होगा a6 इक्वल टू a आपका अंडर रूट 2 है प्लस 5 × √2, ठीक है ना, तो 6 अंडर रूट 2, तो 6 को लिख सकते हैं 36 अंडर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 36 दोना 72 होगा, ये आपका 72। और तीसरा उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका कितना 98 अंडर रूट 98 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन सीरीज है और कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे उसी तरीके से। डी वन ए टू माइनस ए वन आपका डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट किया हूँ, आपका अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं तोड़कर, फिर कॉमन लेंगे, ठीक है ना, कॉमन लेंगे अंडर रूट 3, तो कॉमन डिफरेंस आपका बचेगा अंडर रूट 3 कॉमन लिए तो अंडर रूट 2 अंदर, फिर यहाँ बचेगा 1, ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये आया। डी टू देख रहे हैं, अंडर रूट 9 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं तोड़कर, आपको पता होना चाहिए, अंडर 6 को भी ऐसे यहाँ ऊपर मैं लिखा हूँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यही तरीका होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, ठीक है, अंडर रूट 3 को कॉमन लिया मैं यहाँ पे और यहाँ बचा अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो अंडर रूट 3 बचेगा यहाँ पे और दूसरे में अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 बचा, तो ये कॉमन डिफरेंस फर्स्ट है डी वन ये डी टू जो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये ए पी नहीं बनाएगा, ठीक है, तो आगे का टर्म लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरीके से एक और आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा हूँ, सीरीज है स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये ऐसे ही लग रहा है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है क्या है कि इक्वल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज दिया 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 25 49 73,
अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे, डी वन इज्कल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म 25 माइनस 124 मिला, फिर 49 माइनस ये 25 24, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है 73 माइनस 49 आपका, तो डी वन डी टू डी थ्री जो है सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ए पी है, और अगर ये ए पी है तो 1 2 3 4 पांचवा टर्म क्या होगा, ए फाइव जो होगा, ए फोर फर्स्ट टर्म 1 प्लस 4d, 4 इंटू डी है 24, तो 24 चौका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिए 24 चौका आपका 1 प्लस 4 चौका 16 6 और 4 दुना 8 है 9 96, तो 97 आएगा, राइट 97। एफ सिक्स जो है 1 प्लस 5 इंटू 24, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 121। उस तरीके से ए सेवन को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 6 इंटू 24 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 145, ठीक है। चलिए